मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गावे मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गावे साथ साथ चलने वाले राहें क्यों बदलते हैं राहें जब बदल जाएं तो रास्ते भटकते हैं दूर हो नजर से चाहे दिल के पास होता है चाहे दो जहां भी पालो वो ही खास होता है मांगू मैं अब क्या रब से पाया है तुझको जब से इश्क तेरा हम पे तारी रक्स में जहां एक खुदा को पढ़ो कल माया मैं दुआ दूं दोनों ही एक खुदा मोहब्बत मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गाए मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गाए जी आप अल्लाह वाले हैं मैंने अपने बेटे के लिए दुआ करानी है आपसे मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया बड़ा प्यारा था मेरा बेटा शहजादा था बिल्कुल मेरे से बड़ा प्यार करता था वो उसकी उतनी आवाजें देती हूँ तो मेरी आवाजें नहीं सुनता मैं थक गई हूँ उसे आवाजें देने के पीछे पीर जी इतनी दुआ करानी है कि दुआ करे मैं भी उसके पास चली जाऊं क्योंकि मैं उसके बगैर रह नहीं सकती प्लीज मैं इसके बगैर आनूर अच्छा सारी बात समझ आ गई ना तुझे जी नूर उस्ताद सब समझ आ गई अब मुझे 24 घंटे मजार में रहकर इस लड़के पर नजर रखनी होगी किसी भी किस्म की मामूली या गैर मामूली हरकत हो मुझे फौरन इत्तला करना तुझे ठीक है रोज शाम को मजार के बाहर मिलूंगा मैं तुझे ठीक है ना ठीक है सुन
वैसे तो बहू तुझे पहचानता नहीं होगा, क्योंकि हवेली पे तो तू होता नहीं था, जमीनों पे ही सारा दिन। लेकिन फिर भी एहतियात करनी है तुम, इलाके की बात किसी से नहीं करनी। ठीक है, मैं होशियार रहूंगा, समझ गया ना? शबीरे चल। लाल मेरा शिजाला, मेरा बच्चा कहाँ चला गया था है? तुझे वहां का भी ख्याल नहीं आया? हाँ, जीते जी मारी थी अब मुझे तुम। मैं आपसे दूर कैसे हो सकता हूँ? और आपने भी सबकी बात मान ली कि मैं मर चुका हूँ। नहीं 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 मां सब के, मैंने नहीं यकीन किया। मुझे ना, मुझे तेरी खुशबू आती थी सच्ची। ये लोग मुझे पागल समझते थे, पर मुझे पता था मेरा बच्चा है, यही है, सलामत है। देखा रात के बाद, देखा, मैं कहती थी ना यही है मेरा बच्चा, देखे आज मिल गया ना। इतने सवाल जवाब करने का क्या फायदा? तुम्हारा बच्चा मिल गया है, इससे बड़ी खुशी की और क्या बात हो सकती? चल बस बस चले, चल उठ ना, उठ, चल ना, चल, चल। नहीं मां, अभी नहीं। क्यों क्यों नहीं अभी? कुछ काम है। मैं आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा, लेकिन कुछ जरूरी काम है। क्यों? वो करके आऊंगा। कौन सा काम है जो माँ से ज्यादा है? नहीं चल बस, मैंने कह दिया, चल। माँ मेरी बात समझने की कोशिश करें, मुझ पे कोई जिम्मेदारियां छोड़ के गया है, मैं ऐसे ही सब कुछ छोड़ छाड़ के नहीं जा सकता। क्यों क्यों नहीं चल सकता है? देख रहे फरहाद के बाप, अभी भी मुझे सता रहा है, इसका दिल नहीं भरा मुझे सता सता के। चल गए बस, ठीक है फिर मैं भी यही रहूंगी तेरे साथ ही। तूने जो अपने हक को बर्बाद कर दिया ना, मैं भी यही रहूंगी तेरे साथ। तू रह सकता है, इस खुरदरे फर्श पे सो सकता है, ये बारिश ये धूप सह सकता है, तो मैं क्यों नहीं सह सकती? मैं भी यही रहूंगी फकीरनी बन के, बस कोई छप्पर डाल दे मुझे भी। नहीं चल बस, मैंने कह दिया, चल। अब्बू जी प्लीज, आप अम्मी को समझाए ना। जिंदगी में पहली बार कोई जिम्मेदारी ली है मैंने, खुद से वादे किए हैं, और अगर वो वादे मैंने नहीं निभाए तो मैं कभी अपने आप का भी सामना नहीं कर पाऊंगा। मैं कुछ नहीं जानती, बस आप लोग मुझे यही छोड़ दें, मैं किसी से कुछ नहीं मांगती। देखो बस मुझे अपने बच्चे के पास रहने दो, मैं तेरे साथ रहूंगी ना। भाई घर चलो, तुम्हारे जाने के बाद वो घर घर नहीं रहा, वीराना हो गया। कब से हम लोग एक दूसरे से मुंह छुपाए रहते हैं। क्यों दे रहे हो सजा? चलो ना घर। यार से छोड़ देना, एक अगर तुझे कोई नाराजगी है ना हमसे, तो मेरा भाई निकाल दे दिल से उसे। लेकिन अब चल हमारे साथ यार, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। देख फीदी, मैं ये तो नहीं जानता हूं कि तेरी मजबूरियां क्या है बेटा, लेकिन मुझे तुम्हारी आंखों में सच्चाई नजर आ रही। तू अपने वादे और इरादों का फर्क मत तोड़ यार, मैं तुझे मजबूर नहीं करूंगा। ये क्या बात हुई है? इतनी लंबी जुदाई के बाद आप फिर से मेरे बच्चे को जुदा करना चाहते हैं? ये क्या? मैंने जिंदगी में कभी तुझ पे भरोसा नहीं किया बेटा, आज तो मुझे यकीन हो गया मेरा बेटा अपने वादों और इरादों को पूरा करने के लिए किसी से भी टकरा सकता है। जो फख्र है तुझ पे,
तुम क्या मुझसे मेरा फखर छीनना चाहती हो? मेरा बेटा मेरा भी फखर है, मेरा मान है। ये आपने पहली बार मेरे बच्चे को दिल से कबूल किया, इसे प्यार किया। मैं सह लूंगी इसकी जुदाई, मगर आप इसे अपने दिल से उतरने ना देना कभी भी। मेरा बेटा शेर है, शेर बड़ा बहादुर है ये। और एक बात बताऊं आपको, आपसे बहुत प्यार करता है ये। चाहे मुंह से कुछ ना बोले, लेकिन मुझे पता है ये बहुत प्यार करता है आपको, बहुत प्यार करता है। बस करे चंदा जी, बस करे। एक एक कमबख्त बुखार तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। पता था मुझे तुम नाजों की बली बड़ी हो, तुम इस जिंदगी की सख्तियां नहीं झेल पाओगी। मगर तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। अब देखो कैसे निढाल पड़ी हो। कुछ भी नहीं हुआ मुझे, खामखा परेशान हुई जा रही है। मामूली सा बुखार है, उतर जाएगा अपने आप ही। और मैं इतनी नाजुक भी नहीं हूं, और नजाकत भी अपने वक्त पर ही अच्छी लगती है। जानती हूं मैं अच्छी तरह से, तुम अतले सर कम ख्वाब के बिस्तर पर सोती आई। और देखो तुम इस घर में, इस घर की घुटन में खुश नहीं रह सकती। देखो मेरी बात मान लो और सिकंदर साईं को इत्तला कर दो। मुझे अपनी परवाह नहीं है, मेरी तो भली बुरी जैसे कटनी थी कट चुकी। तुम अपने आप को इस तरह से दरबदर ना करो, छोड़ दो अपनी जिद। जिंदगी में पहली बार किसी ने इतनी इज्जत से, इतने मान से वादा लिया है मुझसे चंदा जी, उस वादे का भरम कैसे तोड़ दो? मैं नहीं चाहती कि कल को कोई कहे कि हम बाजार वालियां वादों का पास रखना नहीं जानती। कौन रखते अपने किसी वादे का पास? अरे वो तो महल में रानी बन के बैठी है और तुम्हें खामखा इस वादे की जंजीर से बांध रखा है उसने। अरे आज उसकी इद्दत खत्म हो जाएगी ना, तो वो चली जाएगी हवेली वापस। और फिर तुम्हें याद रखना तो दूर की बात, भूल के तुम्हारा नाम भी ना कभी आए उसकी जबान पर शायद। और तुम उसके वादे का पास दिल से लगाए बैठी हो। जिसका जो सर्फ है वो वही करता है चंदा जी। मुझे करने दीजिए जो मेरा सर्फ कहता है। समझ में नहीं आ रहा, ना इसके घर वालों को पता चला कि ये बच गया है और ना ही इसने अपने घर वालों से मिलने की कोई कोशिश की।
ऐसा ही है शाहजी। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरियां आन पड़ी कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहीं आकर मलंग बना बैठा है। शाहजी, उसके घर वालों से जो उसकी बात हुई है वो सब मैंने आपको बता दिया। उसे मुझे भी यही अंदाजा हो रहा है कोई खास मकसद है जो डेरा डाल के बैठा है। वो खास मकसद ही तो मैं जानना चाहता हूँ। मुझे आज के बाद तेरी यही ड्यूटी है कि तू उस लड़के पे नजर रख, और ये जिस वजह से भी यहाँ है मुझे वो वजह मालूम करनी है। योगम शादी, ध्यान रखना उसे पता ना चले कि हमें पता चल चुका है कि वो कौन है। हो जाएगा शादी, बेफिक्र। भाई, मैं जानती हूँ कि ये रोग तुम्हें किसकी खातिर लगा है। आरफा ने मुझे सब बता दिया था। मेरी दुआएं सदा तुम्हारे साथ हैं भाई। मेरी दुआ है कि इन्हें कभी किसी रकीब की नजर ना लगे, हमेशा शांत व आबाद रहें। तुम्हें जिंदा देखना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। खत्म कर दो अपनी ये अज़ियत, खत्म कर दो अपनी ये बर्बादी। मैंने तस्लीम कर लिया, तुम्हारी मोहब्बत इस दुनिया की मोहब्बतों से ज्यादा अजीम, सबसे ज्यादा सच्ची है। मेरी लाडली, मेरी नूं बन जासी। कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना। बड़ी मेहरबानी जागीरदार जी, आपने बहुत ख्याल किया हमारा। बस शाह साई तो संभव हूँ जल्दी की है कोठी लैने। ये भी आपका अपना ही घर है, आप थोड़े दिन और रह जाते। ये तो आपकी मेहमान नवाजी है जागीरदार साहिबा, आप तो बहुत अच्छी तरह जानती हैं। बेटी के घर का पानी हम जैसे लोगों पर हराम है। बहुत मेजबानी कर ली आपने, अब इजाजत दीजिए।
चलो फिर तू सन यही जिद देते है सही। पर एक गाल मेरी याद रखना, मेरी अमानत तुसानी कोल है, तुसी ते मेंडा दिल काट के ले जा रहे हो। माँ ही रानी भी अपनी धड़कन आपके पास छोड़कर जा रही है जागीरदारनी जी, यकीन रखें इस बात का। माँ सदके ते माँ वारी, मेरी माही ते सखियातियां तो वध के मेरे लिए, मेरी तो हवेली सुनी हो जाएगी, मऊ याद कर सा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? मैं इसी शहर में हूँ, आपके करीब हूँ, आपका जब दिल करे आप मुझसे मिलने आ जाइएगा। और आपको एक वादा करना है मुझसे, आपने अपनी दवा वक्त पर लेनी है, नागा बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं नहीं चाहती कि हमने जो इतनी मेहनत की है वो जाया हो जाए। फिक्र ना कर, हुन में बीमार ना हो सा, बहुं कम में मेको, पर रोज तेनु मिलना सा मैं। अब अगर सास बहू की बातें खत्म हो गई हो तो इजाजत नहीं जाने की? इजाजत है जागीरदारी जी। ठीक है मामू, चलें। सही, मैं आपको हवेली तक छोड़ा था। कभी कभी मंजिलें रास्तों से दूर खड़ी जा मिलती हैं, तो क्या आप भी किसी और मंजिल की तलाश में थे, किसी और राह के मुसाफिर थे? मैं तो बहुत भटका हुआ था। फिर मुझे मेरे नसीब का बंदा मिल गया, उसने मुझे मेरी मंजिल की राह तक पहुंचा दिया। नसीब का बंदा? हाँ, काका जैसे हमारे नसीब के रिस का एक एक दाना मुकर्रर किया होता है, ऐसे ही हमारे नसीब का बंदा भी मुकर्रर होता। वो हमें हमारे मकसद तक पहुंचा देता है, हमारे रुके हुए काम चला देता है, वसीला बन जाता है, हमारी मंजिल के रास्ते का पुल बनकर पार लगा देता है। तो फिर हम अपने नसीब के बंदे तक कैसे पहुंच सकते हैं? हमने कहा पहुंचना होता है काका, या वो खुद आ जाता है या वो बुला लेता है, लेकिन खोज और तलब शर्त है। लेकिन कभी कभी सारी जिंदगी तलाश में भटकते हुए गुजर जाती है, बंदा नहीं मिलता, नसीब का बंदा नसीब वालों को ही मिलता। लेकिन मेरे दिल में तो कोट है, मैं तो यहां ऐसे किसी मकसद से नहीं आया।
ना ही नसीब का बंदा ढूंढता हुआ आया। मैं तो यहां छुपने के लिए आया था, एक नाकाम इश्क की बदनामी से छुपने के लिए। अरे इश्क भी कभी नाकाम होता है, इश्क तो बस इश्क होता है। इश्क में महबूब मिल जाए तो सौ बिस्मिल्लाह, ना मिले तो इश्क की कसक, इश्क का दर्द तो उम्र भर इश्क के दाग तो मिल ही जाते हैं ना। इश्क में कभी कोई कुछ नहीं खोता, कुछ ना कुछ पाता ही है। महबूब का वसल ना सही, हिजरी सही, जुदाई सही। क्या आपने कभी इश्क किया है? हाँ बिल्कुल किया। नतीजा क्या निकला? एक ही नतीजा, इश्क ने मुझे एक मरहले से दूसरे मरहले तक पहुंचा दिया। दूसरा मरहला? हाँ दूसरा मरहला, जहां यार का हिजर और विसाल दोनों ही लुत्फ देते हैं। जानते हो इश्क की तकमील कब होती है? कब होती है? जब महबूब से यकतरफा मोहब्बत हर हद बार कर ले, जब सौदेबाजी खत्म हो जाए, मोहब्बत के बदले में मोहब्बत मांगने से बड़ी सौदेबाजी और क्या होगी? जब आशिक सौदागरी और मजबूरी के दायरे से निकलकर इश्क करता है तो इश्क आशिक को खुद सलामी देने आता है। माशूक तुम्हें चाहे या ना चाहे, तुम्हारे इश्क में रत्ती बराबर कमी ना है। बस तभी इश्क की मेराज हासिल होती है, तभी सही मानों में आशिक आजाद होता है। और याद रखना, इश्क में आजादी के साथ इश्क करने से बड़ी और कोई आजादी नहीं। इश्क आशिक से बड़ा आजाद और कौन होगा? अच्छा मैं भी कहूँ, ये तो जवान जहान साई हैं हमारे, हमारे जाने कब से यहाँ आए हुए हैं? इन्हें यहाँ आए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, बड़े फकीर साई ने भी सारी जिम्मेदारी इन्हीं पे सौंपी है।
जरूर कोई बात देखी होगी इस पे। हाँ ये तो है, अगर बड़े फकीर साईं ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है तो कुछ तो देख कर ही इतना बड़ा बोझ डाला होगा इस मलंग पे। वैसे मैंने देखा है ज्यादा खिलते मिलते नहीं है दूसरे मुजावरों के साथ, तुम्हारे ये छोटे फकीर साईं चुपचाप से रहते हैं। कोई बहुत बड़ा रोग या जोग लगा हो शायद, महफिल समाज में भी अलग थलग ही रहते हैं, ना किसी के लेने में ना किसी के देने में। फिर भी किसी ने खोज लगाने की कोशिश तो की होगी। यहाँ कोई किसी की खोज में नहीं रहता, खोज लगाना और टोल लगाना दुनियादारों का काम है। यहाँ हम सब अपने रब में मगन होने के लिए जमा होते हैं, हमने तो उसे लो लगानी होती है, बाकी हर खोज फजूल और बेफायदा है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात है फराद भाऊ, अब तो तेरा खोज लगाना ही पड़ेगा। किसके इश्क में यहां जोगी बना बैठा है, आखिर ये राज है क्या? रानी यहाँ क्यों बैठी है अकेली? कब से ढूंढ रही हूँ तुझे और कुछ छोड़ा भी नहीं हुआ, ठंड लग जानी है। चला जा, बाबा सही खाने पे इंतजार कर रहे हैं। बस दिल नहीं चाह रहा था। खैरियत तो है? तबीयत तो ठीक है मेरी धीरानी की? तबीयत बिल्कुल ठीक है अम्मी, बस जगह नहीं है ना तो दिल कम लग रहा है। अच्छा तेरी सास ने कुछ गहने कुछ जेवर भेजे हैं, कुछ मैंने अपने भी निकाल के रखे, आजा जरा देख ले, पसंद कर ले, अगर कुछ कोई नया सेट बनवाना है तो वो भी बता दे। उन्होंने अब ज्यादा दिन इंतजार नहीं करना। अम्मी मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है सब में, और जल्दी किस बात की है, मैं कुछ अरसा तो आप लोगों के साथ रह सकती हूँ। आप लोग मुझे इतनी जल्दी रुखसत क्यों करना चाहते हैं? मैं सदकी, मैं वही मेरा बस चले तो मैं तुझे एक पल के लिए भी खुद से जुदा ना करूं, एक लम्हे को भी तुझे अपनी नजरों से ओझल ना होने दूं। पर क्या करें, यही रिवाज है, यही जमाने की रीत है कि बेटियों को अपने जिगर के टुकड़ों को एक ना एक दिन खुद से जुदा करना पड़ता है माओं को। मैं नहीं चाहती कि आप मुझे इतनी जल्दी रुखसत करके अपने आप से अलग कर दें। क्या बात है अम्मी जी, क्यों रो रही है? देख तो जरा इसे, सदा कब साथ रहती हैं धिया ने मानिया, तुम ही कुछ समझाओ इस पगली को। अम्मी जी आप जाकर आराम करें, इसका दिल तो है ही चिड़िया जितना। जाने रब ने ये बेटियां क्यों बनाई थी, और अगर बनाई थी तो फिर माओं के कलेजे क्यों पत्थर के नहीं बनाए? जी जाते वक्त जिस तरह बहन भाई से बात कर रही थी उससे तो यही अंदाजा लगता है कि कोई आशिकी मशूकी का मामला है।
अच्छा तो आज की मशूकी में बर्बाद होकर उसने यहाँ के ढेर डाल लिए। जी शाहजी। तो फिर ये पता करवाओ कि वो लड़की कौन थी जिसके इश्क में इसने दुनियादारी छोड़ दी और मजार का इतना बड़ा मजावर कैसे बन गया जबकि यहाँ पे लोगों की तो उम्रें बीत जाती हैं। जोकम शाहजी, लेकिन शाहजी वो एक बड़े फकीर हैं जो सफर पे जाते हुए उसको सारी जिम्मेदारी दे गए। ये पीरी फकीरी इन जैसे लड़कों के बस की बात नहीं होती है। हर मजार पर वहां के गद्दी नशीन का ही हक होता है। देख नूरे, इलेक्शन जीतने के बाद ये सारे का सारा इलाका हमारा होगा। हर मजार हर दरबार पर बराहे रास्त हमारा ही कब्जा होगा। मैं अपने इलाके में किसी भी पीर फकीर मलंग की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझ रहा है ना? शाहजी, सिकंदर साईं ने अपने मजारों को बहुत छूट दे रखी है, कब से तो होंगे। हाँ कह तो सही रहा, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद ऐसा नहीं होगा। सब कुछ हमारे अपने कंट्रोल में होगा। जो कह रहा हूँ बस तू वो कर। जो एक बार फिर सोच लो, मैं अभी भी वक्त है। तुम कम से कम अम्मी जी से तो अपनी दिल की बात खुलकर कर लो। माँ है तुम्हारी, तुम्हारे दिल का हाल उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। यहाँ भाभी, मैं कैसे तोड़ दूँ उनकी उम्मीदों को? आपने देखा था कितनी खुशी थी, कितने रंग थे उनके चेहरे पर जब वो ये सब कुछ कह रही थी। और तुम्हारी खुशी, तुम्हारी जिंदगी के रंग जो एक बार फिर इस रिश्ते से धुल गए तो फिर कभी भी रंगीन नहीं हो पाएंगे। और वो फरहाद जो सिया रंग पहने बैठा है मजार पर, उसका क्या कसूर है अगर उसे तुमसे मोहब्बत है? मैंने भला कब कहा कि उसका कसूर है? सारा कसूर मेरा है, सारी गलती मेरी है। ये मेरे नसीबों का है जो उसके सामने आ रहा है। आप सब कुछ जानती हैं। मैंने भला कब चाहा था ये? मैं तो उसे फिर से जीता जागता देखना चाहती हूँ। मैं हर रंग उसके मुकद्दर कर देना चाहती हूँ, लेकिन मेरे हाथ खाली हैं। Tan jhoom jhoom